हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपका बजट कम है और आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आपको इवोलेट की तरफ से आने वाली पोलो क्लासिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को जरूर देखना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखने में काफी अच्छी लगती है, इसकी प्राइसिंग भी कम है, ये लो स्पीड कैटेगरी में आती है, तो इसके लिए ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और ना ही लाइसेंस की। तो आज इस वीडियो में हम इसी इवोलेट पोलो क्लासिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बातें करेंगे, देखेंगे क्या है इसके स्पेक्स, इसकी प्राइसिंग क्या है और आप इसे कहां से खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो दिखने के मामले में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छी लगती है, इसका लुक काफ़ी क्यूट है। यहाँ पर हमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड सिल्वर। इसके अलावा यहाँ पर जो हेडलाइट, DRLs और इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये अफसोस LED वाले नहीं हैं, ये हेलोजन बल्ब वाले हैं, लेकिन फिर भी इन लाइट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और दिखने में भी ये अच्छे लगते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें जगह जगह पर क्रोम फिनिशिंग मिलती है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लुक को चार चांद लगा देती है। इवोलेट पोलो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही यहाँ पर हमें स्टील के क्रैश गार्ड भी मिल जाते हैं और आजू बाजू दोनों साइड हमें बॉडी से इंटीग्रेटेड फुटबैग्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें 250 वॉट का BLDC मोटर मिलता है, जो कि अप टू 350 वॉट की पीक पावर अचीव करता है। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी टॉप स्पीड 25 KMPS तक है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी टॉप स्पीड 35 से 40 किलोमीटर तक भी चली जाती है। इसकी बैटरी रिमूवेबल है, जो कि 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर हमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसकी कैपेसिटी करीब 1.24 किलो वाट आवर है और ये बैटरी सिंगल चार्ज में अप टू 120 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमें फ्रंट साइड में और रियर साइड में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पे EABS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ABS का भी फीचर है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें कि राइडिंग मोड, टॉप स्पीड, बैटरी वोल्टेज और ओडोमीटर जैसे नॉर्मल फीचर्स शो होते हैं। इसकी सीट साइज में अच्छी खासी बड़ी है और बैठने में भी ये काफ़ी कंफर्ट देती है। बात करते हैं इसके स्विच गियर्स की, तो ये जो रेड कलर का बटन है ये इसके पार्किंग मोड के लिए है। उसके ऊपर ये DRLs और हेडलाइट का स्विच है, इसे एक बार दबाने से इसका DRL ऑन होगा और दूसरी बार दबाने से इसका हेडलाइट भी चालू हो जाएगा। ऊपर में हमें यहाँ पर राइडिंग मोड का स्विच मिलता है और इसमें टोटल 3 राइडिंग मोड्स हैं। दूसरी साइड में ये रेड कलर का हॉर्न स्विच है, उसके ऊपर इंडिकेटर का स्विच है और उसके ऊपर लो बीम एंड हाई बीम का स्विच है। यहाँ छोटा सा ही स्टोरेज कंपार्टमेंट है और ये है USB चार्जिंग पोर्ट। अब इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं, तो बूट स्पेस में हमें स्पेस थोड़ा कम मिलता है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। करीब इतना स्पेस मिलता है तो एक छोटे साइज का हेलमेट आ जाएगा, लेकिन बड़े साइज का हेलमेट यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 2 कीज और 2 रिमोट कंट्रोलर्स मिलते हैं। इसके रिमोट कंट्रोलर में मेनली 3 फीचर्स हैं, 2 फीचर्स तो लॉक प्लस अनलॉक के हैं और एक है जो पावर बटन है, इसे 2 बार प्रेस करने से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बिना चाबी लगाए ही ऑन हो जाएगी, यानी कि इसमें कीलेस एंट्री का भी फीचर है। इस स्कूटर का टोटल वेट है सिर्फ 76 kg और यहाँ पर मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है अप टू 150 kg। यहाँ पर हमें मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी का फीचर भी मिलता है, जो कि ऑप्शनल है, जिसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इवोलेट पोलो इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग है 63,000 रुपीस। जिस हिसाब से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक है, बिल्ड क्वालिटी है, 120 किलोमीटर रेंज है और इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इन सारे फैक्टर्स को आप देखोगे तो 63,000 रुपीज़ एक अच्छा प्राइस है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। खैर, अगर आप इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकते तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइनेंस में भी परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कहाँ से खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारे शहरों में इवोलेट की डीलरशिप चालू हो गई है, तो आप गूगल मैप के जरिए अपनी सिटी में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप सर्च कर सकते हैं। वैसे अगर आप रायपुर में रहते हैं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को VKD मोटर से खरीद सकते हैं। इस शोरूम से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी वारंटी की बात करें तो करीब यहाँ पर 1.5 साल की वारंटी मिलती है इसके मोटर पर। इसके लिथियम आयन बैटरी में 3 साल की वारंटी मिलती है। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में सिर्फ 6 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा आएगा। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।